सभी योग प्रेमियों को नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नई शिक्षा नीति को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गई है और इस शिक्षा नीति के लागू होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस नई शिक्षा नीति में योग शिक्षा को कितना स्थान मिला है और इसके आधार पर यह भी चर्चा करेंगे कि योग शिक्षकों के लिए आने वाले समय में कितने अवसर उपलब्ध होंगे रोजगार के। हम सभी लोगों को याद होगा कि 2014 में जब चुनाव चल रहे थे तो वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि नई शिक्षा नीति लाएंगे। 2015 में पहली बार योग दिवस मनाया गया और उसके बाद योग को एजुकेशन सिस्टम में शामिल करने की मांग कई जगहों से उठने लगी। सरकार के कई सारे मंत्री विभिन्न अवसरों पर बोले कि नई शिक्षा नीति में योग को शामिल किया जाएगा, योग को महत्व दिया जाएगा। और वर्ष 2019 में जब इस नए से लागू करने के लिए लोगों से प्रस्ताव मांगे जा रहे थे, सुझाव मांगे जा रहे थे, उस दौरान भी बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया था कि योग को शामिल किया जाना चाहिए। तो अब जबकि नई शिक्षा नीति सामने आ गई है तो उसमें जो बातें सामने आ रही हैं उसके बारे में अगर चर्चा करें तो योग शिक्षा को शामिल किया गया है और यह चर्चा की गई है कि योग शिक्षा को अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं माना जाएगा या को करिकुलर नहीं माना जाएगा, बल्कि इसको मेन स्ट्रीम में एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया जाएगा। तो एक फ़ायदा तो ये हुआ कि सरकार ने एक अपना वादा पूरा किया कि अब योग को मेन स्ट्रीम में शामिल कर किया जाएगा, यानी एक अलग सब्जेक्ट के रूप में। पहले एक को करिकुलर एक्टिविटी के रूप में था, जैसे खेल, क्राफ्ट, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें ऐसी थी। लेकिन इस नए शिक्षा नीति में ये जोर दिया गया है कि लाइफ स्किल को हम बढ़ावा देंगे, मतलब कोई ना कोई ऐसा एक कौशल लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वह स्कूली शिक्षा लेने के बाद किसी क्षेत्र में रोजगार पा सके। तो योग को भी लगभग उसी स्ट्रीम में डाला गया है, एक स्किल माना गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर योग को अलग सब्जेक्ट के रूप में मान्यता दी जा रही है, अलग सब्जेक्ट के रूप में मेन स्ट्रीम में शामिल किया जा रहा है, तो इसको पढ़ाएगा कौन? ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस बात की कोई चर्चा नहीं की गई है नई शिक्षा नीति में कि भर्तियाँ की जाएंगी। जो चीज़ें कही गई हैं वो ये है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर और अधिक जोर दिया जाएगा जिससे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकें। अब ये शिक्षकों का प्रशिक्षण का मतलब ये निकाला जाना चाहिए फिलहाल अभी तक कि जो प्रेजेंट में टीचर हैं उन्हीं को ट्रेनिंग दिया जाएगा, नई भर्ती की बात नहीं की गई है। अब इस नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद जिस राज्य ने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया है वो है मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम छठवीं से ही व्यावसायिक शिक्षा लागू करेंगे जिसमें योग, संगीत, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि कर्मयोग एवं नैतिक शिक्षा को हम विशेष रूप से बढ़ावा देंगे, यानी इसमें योग भी शामिल होगा। बच्चों को पढ़ाया जाएगा एक स्किल के रूप में, लेकिन वहाँ बेरोजगार की बात नहीं की गई है। तो ज़्यादा संभावना यही दिख रही है कि जो प्रेजेंट में टीचर कार्यरत हैं, जो प्रशिक्षक पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाएगी योग की और वही योग पढ़ाएंगे। क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं कि नई भर्तियां कम आ रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा है कि जो हमारे पास पहले से ही मैन पावर हैं उन्हीं से हम काम चला लें। था जो सरकार ने वादा किया था कि योग को, योग शिक्षा को एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए, स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने के लिए, तो उस सरकार ने अपना वादा पूरा किया, यानी योग को मेन स्ट्रीम में लाया गया है। अब रोजगार सृजित होगा कि नहीं, भर्ती निकलेगी कि नहीं, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में अभी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कि भर्ती कब निकलेगी, तो फिलहाल भर्ती निकलने के अभी वो भी योग शिक्षक की भर्ती निकलने के कोई चांसेज नहीं दिख रहे हैं। तो हमें मानकर चलना चाहिए कि अगर हम योग का कोई कोर्स कर रहे हैं तो हमें अपने दम पे, अपने स्किल के आधार पे खुद रोजगार के अवसर तलाशने होंगे, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है कि योग शिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, विश यू गुड हेल्थ। जय हिंद।